बाकी आप सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को भी एक बार ये वाला मौका जरूर मिले। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन होता है ना एक एक रुपए बचा के, तो भाई बहुत जगह पे ऐसे रुपए बचाए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका देहरादून की घनी आबादी में। चारों तरफ इंसान ही इंसान दिखाई दे रहे हैं। बाकी सुबह से दो बार नहा चुका हूँ, फिर भी नहाने का मन कर रहा है। सुबह सुबह सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ कोई भी खाली नहीं बैठता है। और यहाँ पे नाना जी भी उठ गए हैं और सुबह सुबह अखबार पढ़ने पे लगे पड़े हैं। और नाना जी हैं आर्मी रिटायर। सुबह सुबह अंजलि भी तैयार हो गई है, मामा जी की लड़की है। और आजकल इसका बीटेक फाइनल ईयर है तो ट्रेनिंग चल रही है। और मामा जी वो सामने हैं। ठीक है, तब बाय। फिर से छत में आ गया हूँ और टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या लेने जा रहा हूँ। बाइक लेने जा रहा हूँ, लाइफ की फर्स्ट बाइक जो मैं फर्स्ट हैंड लूँगा। इससे पहले मैंने सेकंड हैंड ली थी। और फर्स्ट हैंड बाइक के लिए तो यार आपको ही पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और हम मिडिल क्लास वालों के लिए तो कितना मुश्किल होता है भाई एक बाइक लेना, एक साइकिल तक लेना मुश्किल हो जाता है। अभी नीचे आ गया हूँ, बाकी सभी लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं। बुआ जी की लड़की और लड़के भी सारे कॉलेज वाले हैं अभी। और दिन भर बुआ जी अकेले ही रहती हैं, मतलब घर का काम ही इतना हो जाता है जितना गांव में महिलाएं काम करती हैं ना, तो उतना काम यहाँ भी रहता है। सुबह का नाश्ता बनाओ, तब तक बच्चे आ जाते हैं तो दिन का खाना, फिर शाम भी होती है, कब पता नहीं लगता है। अभी मामा भी आ गए हैं तो चलते हैं मामा लोगों के साथ जल्दी से गाड़ी में। यहाँ से मेरे साथ जुड़ गया मेरे गांव का दोस्त। बढ़िया, हेलो, फाइनली TVS के शोरूम पे पहुंच चुके हैं। और एक बाइक मुझे बहुत पसंद आई, वो माइलेज भी बहुत बढ़िया देती है। मतलब 100 रुपए के पेट्रोल में आपको 50 किलोमीटर लेके जाएगी। और उतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास कि सुपर बाइक ले सकूं, पर एक बाइक ले ली है। अभी ली नहीं है, अब जा रहा हूँ अंदर। और हर किसी का सपना होता है यार कि वो एक दिन यहाँ आए, इस जगह आए, अपनी पर्सनल बाइक ले। अभी हमारे साथ आए यहाँ पे रोहित सिंह राणा, इनके ब्लॉग चैनल का नाम भी सेम है। रोहित भाई हमारे गांव के रहने वाले हैं। और साथ में यम केसर भाई देहरादून से, ये हमारे साथ मधुमेश्वर वाली ट्रिप पे भी थे, तो हमने कहा यार यहाँ भी इनवाइट कर देते हैं। बाकी भाई ने ही बताया यहाँ पे शोरूम है, यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा। हर किसी की ड्रीम बाइक रहती है ये लेने की, लेकिन हर किसी की औकात नहीं रहती है। मतलब उसके लिए नाम बनाना पड़ता है, और हमारा तो पता नहीं कितने हजार सालों में बनता है, लेकिन अभी जो मिल रही है हमेशा उसी में खुश रहना चाहिए। अभी बाइक को बाहर पे ले आए हैं और इसकी ओपनिंग करते हैं। बाकी आप सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को भी एक बार ये वाला मौका ज़रूर मिले कि आपके घर में बाइक आए या कोई भी चीज़ आए। साथ में आ रखे हैं बुआ जी और मामा जी आ रखे हैं। मामा जी की एक खास बात बता देता हूँ आपको, देहरादून में कहीं भी किसी भी जगह प्लॉट, कोई भी जगह लेनी हो, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। और पिछले 20-25 साल से हैं। मैं यहाँ पे नंबर दे दूँगा, आप एक बार कॉल करके ज़रूर पूछें। बाकी आ रखे हैं शोरूम में और यहाँ पे बाइक रखी हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो भाई अमित भाई को बहुत बहुत। फोटो लेते हैं। यहाँ पे TVS राइडर 125 जो कि बहुत बढ़िया माइलेज देती है, और इसी वजह से मैंने ली है। बाकी इसका लुक भी ठीक ठाक है, ठीक मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगा। और ब्लैक चीज़ें सबकी फेवरेट होती हैं, तो मैंने भी ब्लैक कलर में ही लिया है। और इस बार का E20 से आया हुआ है, तो E20 एथेनॉल वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on.
feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. When you hit your teens. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए. 40,000 के साथ हम इसको भी लिया है. बोले तो 40,000 सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ गए हैं. तो मैं सोच रहा था यार 40,000 पे कुछ ना कुछ स्पेशल किया जाए. बाकी बहुत मेहनत लगी है. मतलब जितनी बार भी मैं बाजार जाता था ना 100 रुपये बचाता था. मतलब जाना आना पैदल लगा रहता था मेरा. 20 किलोमीटर है हमारा बाजार हमारे घर से. और हर बार मैंने पैसे बचाए इस वजह से आज ये ले पाया हूँ. बाकी आप सभी लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. क्योंकि आपकी वजह से ही हो पाया ये. और ये मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसका माइलेज बहुत अच्छा है. मतलब 100 रुपये के पेट्रोल में ये 50 किलोमीटर चली जाती है. तो इस वजह से ली है मैंने. और दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो शूट कर रहे हैं. थैंक यू भाई. थैंक यू. किसी के साथ बोलो जय श्री राधे राधे. चलो भाई अम्मा जी तो जाने लग गए हैं. बाकी मैंने जाना है बाइक के साथ. ठीक है बुआ जी चलो हैं. तो पहली बार इस बाइक को दौड़ाएंगे अमित भाई सड़क पर. ये हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं. देहरादून में रोड पार करने में बाप रे. अभी आ रखे हम हेलमेट लेने. जो बाइक के साथ हेलमेट मिला था ना उसमें ये वाला मिला था. और उसमें मैं मतलब गोप्रो या माउंट कुछ भी नहीं लगा सकता था. हेलमेट की शॉप पे आ रखे हैं. अभी हेलमेट लेते हैं. कौन सा पसंद आता है? बहुत सारे हैं. बाइक ब्लैक है तो मैं सोच रहा हूँ यार ब्लैक हेलमेट लूँ कोई सा. ये भी भले ब्लैक है लेकिन ये बुलेट वाला हो गया ना. गाइस हेलमेट तो मिला नहीं. यहाँ से पेट्रोल भरवा लेते हैं. कंपनी सिर्फ आधे लीटर पेट्रोल देती है तो आधी टंकी करवा दी है. आधी कल करवाएंगे घर जाते टाइम. अभी हम एक जगह आ रखे हैं और यहाँ पे यमकेश्वर भाई देहरादून रहते हैं तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ के मोमो बहुत बेस्ट होते हैं. तो हमने कहा ट्राई करते हैं फिर आपको भी बताएंगे. बाकी ये पीने वाले हैं पर हम सब बट दिक्कत ये हो चुकी है कि उन्होंने बोला 5 पीस को भी 50 के तो 1 पीस 10 रुपये का है. हाँ मोमो बहुत महंगे हैं यहाँ पे. वेलकम टू देहरादून सिटी. हाँ तो गाइस अभी मोमो आ चुके हैं और इतने मस्त और ज़बरदस्त हो रहे हैं ना जितना मैंने सोचा था उससे भी बढ़िया. तुम्हें कैसे लगे? सही है. अभी एक ही खाए प्लेट और आ रहे हैं. ज़बरदस्त बढ़िया बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं यार. गाइस देहरादून आए और आइसक्रीम ना खाएं तो क्या बात हो गई. यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से तो दिन रात आइसक्रीम खानी चाहिए पर सेहत का ध्यान भी रखना चाहिए. तो अभी ट्रेन भी आ रही है तो इस वजह से सारा जाम है. और हमारे भाई रोहित भाई को छोड़ के आ गए हैं. तो अब चलते हैं हम आगे की ओर. बस पहुँचने वाले हैं. दोस्तों के साथ रहते रहते पूरी रात हो चुकी है. पहले एक भाई को घर छोड़ा. अभी ये भाई मुझे खुद छोड़ रहे हैं जहाँ पे मैंने जाना है बुआ के यहाँ. जबकि इनका घर वहाँ से थोड़ा दूर है. तो अभी थोड़ा स्वीट लेने के लिए रुके हुए हैं क्योंकि कुछ मीठा होना भी जरूरी है. तो गाइस अभी मामा जी के घर पे भी पहुंच चुके हैं. थोड़ा पूजा भी जरूरी है. सही सलामत रखे मुझे भी बाइक को भी. और आपके पास भी ऐसी बाइक है जो देख रहे हो इससे भी बढ़िया है. चलो बहुत 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 बधाई है. मैं सोच रहा हूँ तरक्की करते रहे हर बार हमें मिठाई खिलाते रहे इसी प्रकार से. बहुत खुशी की बात है. श्रीवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी. और बुआ जी हैं खुश रहो. और अंजलि अभी आई है तो अंजलि को भी खिला देते हैं. भाई जी शुगर हो जाएगी मुझे तो. आ जा यहाँ पे अतुल भाई हमारे. हाँ बहुत शर्माते हैं. बैठ जा भाई इधर बैठ जा. आप सभी भी आशीर्वाद बना के रखना. और साथ में हमारे कैमरा मैन है यमकेश्वर ब्लॉग इनका चैनल भी जरूर देखें. बाकी बहुत मजा आ रहा है देहरादून में. साथ में गर्मी भी है सर्दी भी है मानसून का मौसम है. बाकी अभी खाना वाना खाते हैं. हमारी यमकेश्वर भाई भी हो चुके हैं तैयार घर जाने के लिए. काफ़ी रात भी हो गई है. और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से. काफ़ी साथ दिया इन्होंने और कल भी ये मेरा साथ देंगे. बिल्कुल बिल्कुल. आज थोड़ी दिक्कत हो गई थी. मेरा एग्जाम था तो पता ही नहीं चला अमित भाई कब चले गए. और मुझे लगा कि अमित भाई जो अगले दिन जाएंगे. हाँ चला तो गुस्सा हो गया यार. इन्होंने 12 बजे तक फोन नहीं उठाया. मेरे को इतना गुस्सा आया मेरा. मैंने कहा भाई मतलब बात नहीं कर दी कहाँ रह गया ये. लेकिन हुआ ये मैं कॉलेज से एग्जाम देके आ रहा था और मुझे जैसे ही फोन दिखा ना कि कॉल आ रखा है फटाफट मैंने कॉल करा और मैं उठ के चला आ गया. मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करना है नहीं तो गाली पड़ दी आज. ना ना गाली तो नहीं. चलो कोई नहीं. ठीक है भाई बहुत बहुत धन्यवाद. यार अमित भाई को बहुत बहुत बधाई हो. बहुत अच्छा लगा मुझे कि अमित भाई ने उनको इतना मतलब वो करा कि मैं उनके साथ गया और इतना कुछ हो पाया. ठीक है भाई तब है. ओके बाय.
गाइस अभी रात के 10 बज चुके हैं और छत में आ गया हूँ, और सच बताऊँ तो यार बहुत पापड़ बेलने पड़े उस बाइक को लेने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन होता है ना एक एक रुपये बचा के, तो भाई बहुत जगह पे ऐसे रुपये बचाए, पुरानी बाइक पे बहुत पैसे लग रहे थे तो इस वजह से मैंने बेच दी। वरना मुझे बाइकों का इतना शौक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना ज़रूरत, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि आप लोगों को भी इधर उधर के नज़ारे दिखाने थे और अपने रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में इतनी खूबसूरत जगह है ना, बस एक बार सही सलामत घर पहुंच जाऊं और उसके बाद ऐसी ऐसी जगह घुमाऊंगा ना जैसी जगह आपने या किसी यूट्यूबर ने पहले दिखाई भी नहीं। दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो नीचे एक ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको जरूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो डालूं आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।